पिताजी की डेथ हुई है 1942 में, और 1943 में हमने पहली मर्तबा हमारे पिताजी की बरसी मनाई और उसमें मैंने गाया और उनके गाने गाए। तो आज अगर आप सोचेंगे, हम तब से उनकी पुण्यतिथि करते आ रहे हैं, एक साल भी उसमें गड़बड़ नहीं हुई है, और कितने 71 ईयर्स में हम लोग ये पुण्यतिथि कर रहे हैं, और बाद में हमने 1989 में हमने ये अवार्ड शुरू किया है, और आज तक हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड दिए हैं। आज मैं आपके सामने आई हूँ, मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, उसको 72 साल हो गए हैं, और इतने साल में मैंने जो गाने गाए हैं, अलग अलग तरह के सब गाए, भजन गीत वगैरह सब, पर सूफी कलाम मैंने दो ही गाए थे और बहुत छोटे से। अभी ये जो रिकॉर्ड हमने किया है, ये सूफी कलाम है, उसमें बैजनाथ ने भी गाया है, मैंने भी गाया है, और उसने कंपोज किया है वो गाने, इतने अच्छे उसने बनाए हैं। मतलब मैं तारीफ करूंगी तो आपको लगेगा कि मैं मेरे नेफ्यू की तारीफ़ कर रही हूं, पर नहीं, वाकई उसने बहुत अच्छा बनाया है, और वो खुद गाया भी है, और ये रिकॉर्ड हमें उस दिन रिकॉर्ड रिलीज़ करना है, और कोशिश हम लोग करेंगे कि जाकिर भाई से कहेंगे कि उनके हाथों से वो रिकॉर्ड अगर रिलीज़ हो तो हमें बहुत खुशी होगी। अवार्ड छोटा हो बड़ा हो, अवार्ड अवार्ड ही होता है, और जिसको मिलता है उसको बहुत खुशी होती है, पर मुझे जो अवार्ड मिला है वो पब्लिक ने जो मुझे सुना है और प्यार दिया है, वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। मुझे बहुत खुशी है, और मैंने टीवी पे भी बोला है, मैंने उनको बहुत बधाई दी है। ये आरके अवार्ड मतलब इंडस्ट्री के लोगों को मिलता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और उनको दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगी कि फाल्के अवार्ड अमित साहब जी को भी मिलना चाहिए। Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan. Watch me only on facebook.com/businessofcinema.